Qroom Decor presents the Food Shala in association with City Max Hotels, Geo Hypermarket, Chili Willy, Yoplait Yogurt, and Al Ain Vegetables, media partners. Did you ever like school? I loved it. और क्यों नहीं, वहाँ पे मुझे इतना कुछ सीखने को मिला, लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स, बैक बेंच की मस्ती एंड ऑफ कोर्स मार्क्स की कॉम्पिटिशन. What about you? It was all right, honestly. लेकिन जितनी एक्साइटिंग ये स्कूल है, अगर मेरी स्कूल उतनी एक्साइटिंग होती ना, ऑनेस्टली मैं क्लास के बाहर निकाल ही नहीं जाती. Welcome to the most exciting food school. Qhome Decor presents the Food Shala in association with City Max Hotels, Geo Hypermarket, Chili Willy, Yoplait Yogurt, and Al Ain Vegetables. आज के एपिसोड पर एक और कंटेस्टेंट बनाएंगे एक एक्साइटिंग चाइनीज डिश मेरे साथ, लेकिन इससे पहले मेरा इंतजार कर रहे शेफ टेक, सो आई थिंक वी शुड गेट देयर, राइट? This has got to be my favorite part of the show. We're back at the new Sizzling Wok restaurant at the City Max Hotels, Bar Dubai. And with me is Chef Take, जो आज एक take में एक नहीं दो चीजें बनाने जा रहे हैं. एक soup और एक salad, right? Yes. तो सबसे पहले हम सबसे पहले soup चढ़ाते हैं. Okay. उसके बाद soup पकता रहेगा, फिर हम salad बनाएंगे. Wow. उसके लिए पहले हम थोड़ा सा तेल डालेंगे, जिसमें हम सोते करेंगे garlic, ginger और chicken. Okay. अभी हम इसमें डालेंगे ginger. इसमें डालेंगे थोड़ा गार्लिक, इसको थोड़ी देर सोते करेंगे. इसमें अब ऐड करेंगे चिकन. तो ये शेरिड चिकन है? चॉप चिकन. चॉप चिकन. चिकन चॉप चिकन. थोड़ा पकाने इसको. चिल्ली ऐड करेंगे. ग्रीन चिली चॉप. ओके. ये थोड़ा सा स्पाइसी होगा. बेसिकली इंडियन लोगों के लिए अच्छा है. हाँ. इंडियन पीपल दे लाइक टमाटर दिस वन. इसमें थोड़ा सा ग्रीन. थोड़ा सा? ग्रीन कोरिएंडर चॉप. चॉप कोरिएंडर. ऐड करेंगे. अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी. ओके. 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 जरा सा पानी ताकि चिकन इसमें और पके, राइट? पके. उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट, सोया सॉस और बाकी इंग्रेडिएंट्स. अभी तब तक के लिए हम थोड़ा सा अभी सैलेड की तरफ जाते हैं. जी. हम बना रहे हैं प्रॉन सैलेड, जिसमें हम ऐड करेंगे रोमानिया लेटस. रोमानिया लेटस. ओके. एंड आइसबर्ग लेटस. ओके. दो किस्म के लेटस जा रहे हैं इसके अंदर. थोड़ा सा बेसिल लीफ. ये फ्लेवर बहुत मस्त आता है ना. बेसिल लीफ. थोड़ा सा लेमन ग्रास. ओके. थोड़ा सा लेमन लीव्स. लेमन लीव्स. या. ओके. थोड़ा सा रेड बेल पेपर्स. बेल पेपर. अब इसमें हम मिलाएंगे इसके ड्रेसिंग, जो थाई चिल्ली एंड रेड चिल्ली पेस्ट एंड फिश सॉस से बनाई है. करेक्ट करेक्ट. ये थोड़ा सा स्पाइसी और सावर होगा. तो ये एक थाई सैलेड है. हाँ, थाई सैलेड. इसके अंदर हम मिलाएंगे अभी बॉइल्ड प्रॉन्स. ऑलराइट. इतना आपको लेना है उस हिसाब से. अब इसको हम मिलाएंगे अच्छी तरह. हम इसमें सर्व करेंगे सैलेड को. ये हो गया आपका सैलेड. ये हो गया प्राउन थाई सैलेड. अब हम बनाते हैं मंचाओ सूप. मंचाओ सूप ऑलरेडी 50% डन है. इसमें हम ऐड कर रहे हैं अभी थोड़ा सा चिल्ली विली सोया सॉस.
ओके थोड़ा सा कलर भी आएगा प्लस टेस्ट भी थोड़ा डिफरेंट होगा थोड़ा सा हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे चिली विली सॉल्ट अभी इसमें ऐड करते हैं थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ताकि थिकनेस आए कॉर्नफ्लोर अभी इसमें हम डालेंगे अंडा इसको हम फेट करो हाँ फेट के अंडा डालेंगे लेकिन ज़्यादा नहीं थोड़ा सा ओके तो पूरा अंडा नहीं नहीं पूरा अंडा नहीं डालेंगे जी थोड़ा सा अंडा डालेंगे ये हो गया अंडा अब आपका सूप रेडी है पीने के लिए दैट वाज क्विक अब इसको हम डालेंगे सूप बॉल में Wow. Okay. इसके साथ में जाएगा थोड़ा सा गार्निश के तौर पे प्लस क्रिस्पी नूडल्स के साथ खाएंगे तो बहुत ही तो क्रिस्पी फ्राइड नूडल्स हाँ इसके साथ साफ होगा चाइनीज रेसिपी थी तो अच्छी लेकिन मुझे पता है आपको इंतजार है इंडियन रेसिपी का उसके लिए करना पड़ेगा आपको बस थोड़ा सा इंतजार cuz we're going to take a break now but उससे पहले it's time now for our Yoplait yogurt question of the week what you have to tell me is what do you do to retain the color of cauliflower while you're cooking